नमस्कार साथियों, आज मैं हूं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में और आज मैं आया हूं डेंटल विभाग में जाने कि ओरल कैंसर क्या होता है, ये जो मुंह का कैंसर होता है उसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए आए हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर यूएस पाल से, जो कि यहां पे डेंटल विभाग में सर्जन हैं और प्रोफेसर भी हैं। वो हमें ओरल कैंसर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। ओरल कैंसर आज हमारे देश की एक प्रमुख समस्या के रूप में बीमारी उभरी है। सबसे ज़्यादा पुरुषों में पाया जाने वाला कैंसर है। ये बीमारी के पीछे होने वाला मुख्य कारण पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट। तंबाकू में करीब 500 तरह के हानिकारक तत्व होते हैं, जिनमें से 50 ऐसे हैं जिनको कि हम लोग कार्सिनोजन कहते हैं और ये बिल्कुल प्रूवन कार्सिनोजन है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत तंबाकू, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी इत्यादि के सेवन को लेके है। हम लोगों को इसके लिए सबको प्रयास करना चाहिए। ओरल कैंसर के बारे में मैं खास रूप से 2-3 बातें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि शुरुआती दौर में ओरल कैंसर दर्द रहित होता है, दर्द नहीं करता है, जिसकी वजह से इसको पहचानने में देर हो जाती है, मरीज देर से डॉक्टरों के पास जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दांत के डॉक्टरों को शुरू से ही इसके लिए सचेत किया जाए, शिक्षित किया जाए, अवेयर किया जाए, इसके बारे में गाइडलाइंस उनको बना के प्रोवाइड कराई जाएं, जिससे कि वो दांत दिखाने मरीज आए, उस मरीज में भी ओरल कैंसर के लक्षणों को प्रयास से ढूंढें और देखें पूरे मुंह का एग्जामिनेशन करके कि कहीं कोई ऐसा लक्षण तो नहीं है। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई भी गांठ, खुजली, त्वचा संबंधी समस्याएँ इत्यादि का हम लोग खुद भी परीक्षण करते हैं, मरीज खुद परीक्षण करता है, लेकिन मुंह का स्वतः परीक्षण हम लोगों की आदत में नहीं है। हमको अपने मरीजों को मुंह के अंदर झांकना, मुंह का परीक्षण करना सिखाना पड़ेगा। हमें अपने जनमानस को बताना पड़ेगा कि जैसे आप अपने चेहरे को शीशे में देखते हैं, आप अपने मुंह के अंदर को भी शीशे में देखें, जवान को शीशे में देखें, गाल को शीशे में देखें, दांतों को देखने की कोशिश करें, उंगली से अपनी फील करने की कोशिश करें और किसी बदलाव को नोट करें और दांत के डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको लगता है कि ये कोई गांठ है, कोई घाव है, कहीं कुछ ऐसा बदलाव है जो कि नहीं होना चाहिए, तो तुरंत उसका परीक्षण कराएं और उससे निजात पाएं। अतः ये ज़रूरी है कि पहली बार ही आप नो कहना सीखें, ना कहना सीखें। पहली बार जो काम जो लिया जा रहा है उसको पहले ही बार में मना करना सीखें, मना करने की आदत डालें और इसको सबको सिखाएं कि पहली बार ही नहीं लेना है, एक बार लेने से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पहली बार लेने से ही होता है। आदत होती है और आदत के बारे में कहा जाता है कि वो आदत ही क्या जो छूट जाए। अतः आदत ना डालें।